जिनका मुख्य उद्देश्य है इस भारत से ही नहीं अपितु भूमंडल से इस्लाम नाम के वायरस को खत्म करना। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे विशेष कार्यक्रम में। और अगर मैं युवाओं की आवाज लेकर के आऊं तो स्वामी जी आपकी विचारधारा को लेकर के जब युवा आपको सुनता है, जब आपकी वक्तव्य शैली को युवा सुनता है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, तो एक आवाज, एक प्रश्न चिन्ह युवा के मन में आता है कि स्वामी यति को इस्लाम से इतनी नफरत क्यों? मुझे बचपन से इस्लाम से इतनी नफरत नहीं थी। मैंने इस्लाम के अत्याचारों को देखा है और इस्लाम के अत्याचारों को देखने के बाद मैंने कुरान का अध्ययन किया। कुरान का अध्ययन करने के बाद मैंने हदीसों का अध्ययन किया। हदीसों का अध्ययन करने के बाद मैंने इस्लाम के इतिहास का अध्ययन किया। जब मैंने इस्लाम के इतिहास का अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि जब भारत में इस्लाम आया था 713 के आसपास, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राक्षस भारत में इस्लाम को लेकर आया था। उस समय पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे, और पूरी दुनिया में उस समय 70 करोड़ हिंदू थे। पूरी दुनिया हिंदुओं की थी। जब इस्लाम का उदय हुआ, पहली लड़ाई बदर में लड़ाई हुई, तो पहला अभी हटियोगी जी महाराज ने बताया था, संगे अस्वद, वो जो शिवलिंग है मक्का का, वहां सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू रहा करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे। इस्लाम ने तब से लेके आज तक लगभग 500 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया है। ये एक वैज्ञानिक आधार पर डाटा दे रहा हूं आपको। तो जिन लोगों ने मेरे 500 करोड़ भाई बहनों को मारा है, और उनकी कुरान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक दुनिया में एक भी काफिर, केवल हिंदू नहीं, काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, जब तक दुनिया में एक भी नॉन मुस्लिम जिंदा है, उनका इस्लाम का जिहाद चलता रहेगा, वो लोगों को मारते रहेंगे। तो एक बात बताइए, वो तो अपना धार्मिक कर्तव्य मेरी हत्या को मानते हैं, मेरे परिवार की हत्या को मानते हैं, मेरे लोगों की हत्या को मानते हैं, तो मैं उनसे प्यार कैसे करूं? अगर कोई कहता है कुरान में ये नहीं लिखा तो वो मूर्ख है, उसने कुरान पढ़ी नहीं है, वो इस्लाम के इतिहास को जानता नहीं है। मैं इस्लाम के इतिहास को जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम को वैचारिक रूप से समाप्त करना ही पड़ेगा। लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि तुम गलत हो। अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो वो यूं ही कत्लोगारत करते रहेंगे। स्वामी जी, ये जो यात्रा आज आपने हरिद्वार के माध्यम से अस्तित्व बचाओ धर्म जगाओ की यात्रा निकाली है, यदि मैं 150 वर्ष पूर्व जाऊं, मैं इतिहास के पन्नों को पीछे पलटाऊं, तो 150 वर्ष पूर्व एक यात्रा ऐसी हरिद्वार में निकाली गई थी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने मठाधीशों को, संतों को, महंतों को, विद्वानों को एक करने का कार्य किया कि आप लोग एक हो जाओ और धर्म के लिए लड़ो। तो यदि वर्तमान में मैं बात करूं, अभी कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, तो हमने देखा जैसे कमलेश तिवारी एक हिंदूवादी नेता थे, उनकी हत्या जब कर दी गई तो तमाम हिंदूवादी नेता बाहर निकल के आए कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनका मुझे लगता है हिंदुत्व को लेकर के ज्यादा बड़ा कोई कार्य नहीं था। पर एक यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो निर्भीक होकर के बड़े बड़े मंचों पर खुलेआम इस्लाम का विरोध कर देते हैं, उनका एक बयान भी नहीं आता कि मुझे सुरक्षा चाहिए। ऐसा क्यों, किस मिट्टी के बने हैं यति नरसिंहानंद? नहीं, मुझे सुरक्षा की जरूरत क्या है, मैं अपने देश में रहता हूं, अपने लोगों के साथ रहता हूं, अपने लोगों के बीच में रहता हूं, ये सरकार है, ये पुलिस थोड़ी मेरी सुरक्षा करेगी। अगर मेरे लोग मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे फिर जीवित रहने की जरूरत क्या है, पहले ये बताओ ना। मैं अपने लोगों के साथ रहता हूं हमेशा, और जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई सरकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं कोई पुलिस की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरे लोग मेरे साथ नहीं है तो मुझे फिर लड़ने की जरूरत क्या है? तो जो लोगों के बीच में रहेगा उसकी सुरक्षा लोग अपने आप कर लेंगे। मेरी सुरक्षा महादेव करते हैं, मेरी सुरक्षा मेरी माँ करती है, और मेरी सुरक्षा मेरे बच्चे करते हैं। ये सब मेरे बच्चे जो साथ हैं, ये मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है, मुझे सुरक्षा की जरूरत क्या है? स्वामी जी, आपको नहीं लगता जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं, ईसाइयत की तरफ देखते हैं, इस्लामिकों की पूजा पद्धति एक है, वो किसी भी मस्जिद में आप चले जाइए, उनकी पूजा पद्धति, अल्लाह को पूजने की पद्धति एक है। ईसाइयों के किसी भी गिरजाघर में चले जाइए, ईसाइयों के ईसा मसीह को पूजने की पद्धति एक है। जब हम हिंदुत्व की तरफ आते हैं, वैदिक या सनातन धर्म की तरफ आते हैं, आपको नहीं लगता कि पूजा पद्धति में बहुत ज्यादा बिखराव है, इसको सही करके एक पद्धति होनी चाहिए ईश्वर की उपासना? देखिए, ये अभी संभव नहीं है। जब तक हम धरती से इस्लाम को रिमूव नहीं कर देते, इस विचार वायरस को हटा नहीं देते, जब तक ये संभव नहीं होगा। अगर हम आपस में अंतर विरोधों की तरफ जाएंगे तो हम आपस में ही लड़ मरेंगे। इसलिए फिलहाल इन प्रश्नों की जरूरत नहीं है कि किसकी क्या पूजा पद्धति है। पंडित जी अपनी पूजा पद्धति के साथ रहें, आप अपनी पूजा पद्धति के साथ रहो, मैं अपनी पूजा पद्धति के साथ रहूं, भैया जी अपनी पूजा पद्धति के साथ रहें, और हम ये समझें
कि हमारे बच्चों के जीवित रहने के लिए हमें इस्लामिक जिहाद को धरती से खत्म करना ही पड़ेगा। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है। मैं, आपने भी दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया, भारत के इतिहास में दयानंद सरस्वती जी पहले ऋषि थे जिन्होंने इस्लाम को समझा, ईसाइयत को समझा और उसके बारे में लिखा। आप अगर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेंगे तो 13वां और 14वां समुल्लात वो ईसाइयत और इस्लाम के बारे में है। उससे पहले कागज का एक पेज भी संस्कृत में लिखा नहीं गया था इस्लाम के खिलाफ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बहुत बड़ी देन है भारत को इस्लाम समझाने में, इस्लाम के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करने में। तो मैं चाहता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती की इस परिपाटी को, और उन्होंने अपना जीवन दिया धर्म की रक्षा के लिए, इस परिपाटी को बढ़ाया जाए। लेकिन आज हम उनका बहुत सम्मान करते हुए भी उनकी आर्य समाज की विचारधारा पर अडिग नहीं रह सकते, क्योंकि पूजा पद्धति का अगर हमने विरोध करना शुरू किया तो हिंदू समाज बिखर जाएगा। आज समाज को बिखेरने की जरूरत नहीं है, समाज को एक बिंदु पर लाकर एक करने की जरूरत है कि पहले दुश्मन से लड़ लो, आंतरिक जो भी सफाई है, आंतरिक जो भी समझदारी है, हम वो बाद में डेवलप करेंगे। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि एक मदरसा, पूरे एशिया का टॉप, जो टॉप मदरसा माना जाता है, जहाँ पर लगभग पता नहीं हजारों आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, मैं यदि सीधी भाषा में कहूँ हजारों की संख्या में वहाँ से आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, हजारों की टन में वहाँ पे आटा इस्तेमाल होता है रोज उनकी। जब उनसे मैं गया बात करने के लिए तो उन्होंने बताया, गुरुकुलों के कुछ आचार्य साथ थे, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि स्कोप मुझे नहीं लगता कि उस पद्धति को, उस शिक्षा को लेकर के कुछ आगे है, तो जब उनसे पूछा गया तो उनका प्रश्न निर्भीकता से यह था कि हमें इस्लाम का परचम पूरे विश्व में फहराना है। तो उसको पढ़ने के बाद पूरे वैश्विक पटल पर आतंकवाद जन्म लेता है, लेकिन जब हम गुरुकुलों की तरफ बढ़ते हैं, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक सनातन संस्कृति की तरफ जाते हैं, हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, जब ऐसे गुरुकुलों की तरफ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा निकल के आती है। तो उस आतंकवाद की फैक्ट्री को लेकर के यदि मैं सीधी शब्दों में बात कहूं तो आपका क्या कहना है? देखिए, आपका इशारा दारुल उलूम देवबंद की तरफ है जी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये एशिया का नहीं पूरी दुनिया की इस्लाम के जिहाद को फैलाने की सबसे बड़ी विचारधारा अगर कहीं पनपती है तो वो दारुल उलूम देवबंद में पनपती है। और दारुल उलूम देवबंद को बंद किए बिना दुनिया से आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। और जहां तक आपने कहा कि आतंकवाद, वो आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, असल में हम जो टर्म यूज कर रहे हैं, हम टर्म गलत यूज कर रहे हैं, वो आतंकवाद नहीं फैला रहे, वो इस्लाम के जिहाद को फैला रहे हैं, जो उनकी मौलिक अवधारणा है। अब गुरुकुलों की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, गुरुकुलों का सबसे बड़ी कमी है, गुरुकुलों को भी लोगों ने, जैसे गुरुकुल कांगड़ी का आपने नाम लिया, गुरुकुल कांगड़ी कहने के लिए गुरुकुल है, वास्तव में तो गुरुकुल कांगड़ी एक आधुनिक विश्वविद्यालय है, जैसे और विश्वविद्यालय है ऐसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ये हो सकता है वहां थोड़ा योग ज्यादा सिखाया जाता हो, संस्कृत में ज्यादा बात की जाती हो, लेकिन वो भी एक व्यावसायिक विश्वविद्यालय ही बनकर रह गया है। हमें जिहाद को खत्म करने के लिए जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है, आर्य धर्म का मूल सिद्धांत है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा अपग्नन्तो अरावणा कर्णवन्तो विस्मार्यम्। कर्णवन्तो विस्मार्यम् तो बहुत बाद में आएगा, पहले है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा अपग्नन्तो अरावणा। दुनिया के सारे ऐश्वर्य को संधान करें हम, बुरी शक्तियों को समाप्त करें, उनका शमन करें, उनका दमन करें, उन्हें समाज से हटाएं, उसके बाद दुनिया को हम आर्य बना सकते हैं। धर्म युद्ध की तरफ समाज को ले जाए बिना, आज इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस्लाम में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जिहादी है। जो पढ़ रहा है वो किताबों से जिहाद कर रहा है, जो लिख रहा है वो कलम से जिहाद कर रहा है, जो किसी के बाल काटने वाला नाई है वो उस्तरे से जिहाद कर रहा है, जो डॉक्टर है वो अपनी दवाइयों से जिहाद कर रहा है, जो सैनिक है वो हथियार लेकर लड़ रहा है। जब तक हम जिहाद की, जैसा जिहाद की अवधारणा आई कहां से है, ये जिहाद की अवधारणा धर्म युद्ध से आई है, कुरान गीता की एक भद्दी नकल है, जब तक हम इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे गुरुकुल हमारे बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए जागृत नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और मैं गुरुकुल कांगड़ी से आता हूँ, और हमारे कुलपिता जो है स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक हिंदुत्व को लेकर के बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, हिंदू संगठन क्यों और कैसे, मुझे लगता है आप हिंदुत्व को लेकर के कार्य कर रहे हैं, इससे अच्छी भेंट आपके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, जो है
मेरा आप जैसे नौजवानों से बहुत अनुरोध है, आप अपनी योग्यता को इतनी बढ़ाइए कि स्वामी श्रद्धानंद जी से भी आगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से भी आगे आपकी योग्यता हो, और तब समाज को एक दिशा दीजिए।